नमस्कार। बंदोबस्त कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों की ओर से आप उपस्थित रैयतों का हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज हम सभी यहाँ एक विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं। आपके इलाके में आपको जानकारी होगी कि भू सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ होने वाला है। यह कार्य आपके जिले के 4 अंचलों में प्रारंभ हो रहा है। सर्वे के संबंध में आप सभी लोग कुछ न कुछ जानते हैं, लेकिन विस्तार से जानकारी देने के लिए सर्वे का क्या उद्देश्य है, क्यों यह फिर से प्रारंभ किया जा रहा है, सर्वे का अर्थ क्या है, इसके बने नियम क्या हैं, आपकी इसमें कहां सहभागिता है, आपको किस स्तर पर जाकर मदद करना है, ये सारी चीज़ें आज हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर्वे का अर्थ क्या है? सर्वे का अर्थ है किसी चीज़ का खोज करना, पता करना, जानकारी लेना। यहाँ भू सर्वेक्षण से मतलब है कि भूमि के संबंध में विवरण और जानकारी एकत्रित करना। इसका उद्देश्य दरअसल है कि लगभग 60-70 वर्ष पहले रिविजनल सर्वे हुआ, उससे पहले 1885 से 1902-3-5-9 तक करीब कैडस्ट्रल सर्वे का दौर रहा। मोटा मोटी 60-70 वर्षों पर एक बार फिर से सर्वे हुआ है हमारे बिहार में। इसका उद्देश्य दरअसल है कि 70 वर्षों में जो जमीन में, जो नक्शे में परिवर्तन आया है, हम उसको फिर से वास्तविक रूप में लाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सरकार भू अभिलेख को अद्यतीकरण करना चाहती है, यानी अपडेट करना चाहती है। दरअसल कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से ये सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ी। राजस्व और भूमि सुधार का भूमि संसाधन प्रबंधन और प्रशासन दरअसल इसी अद्यतन रिकॉर्ड पर निर्भर करता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। दूसरी बात, चालू खतियान खेसरा पंजी अपडेट नहीं हो पाया, जिस कारण भूमि का जो अंतरण हुआ यानी ट्रांसफर हुआ, उसमें उत्तराधिकार जो बाद में उसके बने म्यूटेशन हुआ, इन सारे चीज़ों को का स्पष्ट पता ही नहीं चल पा रहा है, एक लिंक नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात, कंप्यूटर में आंकड़े डाले हुए हैं भूमि से संबंधित, किंतु उसका सरजमीन पर मिलान करना भी आवश्यक है ताकि उन आंकड़ों की सत्यता का पता चल सके। राज्य के विकासात्मक मूलाधार है भूअर्जन परियोजना, भूमिहीनों के बसावट आदि समस्याओं के लिए जमीन तो चाहिए। जब जमीन का सर्वे होगा तभी तो पता चल पाएगा कि सरकार के पास कितनी भूमि है, किस प्रकार की भूमि है, किस प्रकार की भूमि का किस प्रयोजन में कार्य लिया जा सकता है। इसके अलावा जो नक्शा प्राप्त है वो कंप्यूटर जनित है। सर्वे जब होगा तभी तो सरजमीन पर उसका हम मिलान करके जान सकेंगे कि जो हमारा नक्शा बना है वो सही बना है या नहीं बना है। तो इस सर्वे के द्वारा ही उस नक्शे का सत्यापन भी हो सकता है। और इन सारी चीज़ों से ऊपर भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट है हमारे लिए। और ये जो विवाद है, ये जो समस्या है भूमि की, इसके वजह से भूमि विवाद इतना अधिक हमारे राज्य में, राज्य स्तर क्या कहें, सारे देश में भूमि की जो भूमि विवाद की समस्या है वो बहुत ही जटिल है। हमारे राज्य में ही लाखों लाख केस भूमि से संबंधित न्यायालय में लंबित हैं। इसके कारण हर हमेशा अव्यवस्था, मारपीट, झगड़े आदि की संभावना बनी रहती है, विधि व्यवस्था की समस्या होती है। इन सारे कारणों से भूमि सर्वेक्षण करवाना सरकार के लिए आवश्यक हो गया था। इन सारे कार्यों से
रैयतों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। एक तो ये जो भूमि का रिकॉर्ड है जो इतना जटिल बना हुआ है, उसको बहुत ही सिंपल ढंग में जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान रैयत हैं जिनका दखल है, उस आधार पर उनको मलकियत दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हाईटेक जमाना है, जो ये रिकॉर्ड बनेगा उन सारे रिकॉर्ड को कंप्यूटर पर अब डाल दिया जाएगा। अब खाता बही की आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर पर रिकॉर्ड रहेगा और यह लीक रहेगा कई विभाग से। रैयत जमीन अगर खरीदता है तो उसकी जमाबंदी से उतना माइनस होगा, घटेगा। अगर वह जमीन बेचता है तो उतनी ही जमीन उसके हिस्से से घटा हुआ प्रदर्शित होगा कंप्यूटर पर। तो इस प्रकार ये भू सर्वेक्षण का जो कार्य है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। और इसके पहले भी भू सर्वेक्षण जो हुए, थोड़ा सा हम पीछे की ओर लौटते हैं। जब 1885-87 में यह सर्वेक्षण शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार के लिए भूमि और भूमि राजस्व जो है वो एक बहुत बड़ा धन संग्रह का माध्यम था। तो उसने, ब्रिटिश सरकार ने अपने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भू सर्वेक्षण का कार्य करवाया। और सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में लॉर्ड मैकेंजी, एक अंग्रेज पदाधिकारी, ने भू सर्वेक्षण का सुझाव दिया था ताकि हर प्रकार के भूमि का आंकड़ा पता कर तदनुसार टैक्स लगाया जा सके। और अंग्रेजों ने सबसे पहले भूमि को एक एसेट बना दिया, एक ऐसी संपत्ति जो क्रय विक्रय हो सकती थी। और इसके लिए उन्होंने भूमि संबंधी कानून बनाए, राजस्व न्यायालय का गठन किया गया, राजस्व अधिकारी के पद सृजित किए गए, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल जैसी प्रशासनिक इकाइयां गठित की गई। तो भू सर्वेक्षण हेतु जरूरी था कि एक गाइडलाइन बनना, एक कानून बनना। तो 1885 में बिहार टेनेंसी एक्ट लागू किया गया, जिसमें वो गाइडलाइन था, उसमें जिसके आधार पर भू सर्वेक्षण का कार्य होना था। धारा 101 से 115 तक जो है बीटी एक्ट का, वो सर्वे से ही संबंधित है। और लेफ्टिनेंट विनगेट वो पहला अंग्रेज पदाधिकारी था जो सर्वे सुपरिटेंडेंट बने भारत में। तो पहला सर्वे दरअसल 1885 से शुरू हुआ, जो 1902-07 या 1909 तक वो उसका फेज कहा जा सकता है। यह काल था कैडेस्ट्रल सर्वे का। दूसरा सर्वे 1960-62 से शुरू हुआ राज्य के 22 जिलों में, जिसमें 16 में ही यह सर्वे पूरा हो पाया, बाकी जिलों में आधा अधूरा ही रहा। हाल में सरकार ने फिर से भू सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया। बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 और नियमावली 12 इसके लिए बनाए गए। इस सर्वे में दरअसल जो पूर्व के सर्वे की जटिलता थी उसको समाप्त कर दिया गया था। बड़े ही सरल ढंग से इसको 20 स्टेज में, छोटे छोटे स्टेज में, 20 स्टेज में आकर सर्वे को समाप्त किया गया, यानी सर्वे का कार्य पूर्ण किया गया। इसमें प्रथम चरण में, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि किस्तवाड़ का काम होना है। सबसे पहले तो मौजा में प्रवेश के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। तो वो पहला स्टेज जो है वह है उद्घोषणा का, जो समाहर्ता सब बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है कि आपके मौजे का भू सर्वेक्षण का कार्य होना है और सर्वेक्षण का दल आपके मौजे में जा रहा है। इसकी सूचना, आम सूचना लोगों को दी जाती है। तत्पश्चात सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले किस्तवार की प्रक्रिया शुरू होती है। किस्तवार क्या है? तो अमीन वहां पहुंचते हैं मौजा में, वो ट्राइजंक्शन की तलाश करते हैं। तीन सीमा ना, वो पॉइंट जहां से तीन मौजे की सीमा मिलती है, वो तीन सीमाना की खोज करेंगे। फिर मौजा की बाउंड्री को पहले देखेंगे, दोनों मैप, रिविजनल या कैडस्ट्रल मैप के आधार पर एरियल मैप का जो बाउंड्री है,
जो सीमा है मौजे की, वह आपस में मिलती है या नहीं मिलती, अगर उसमें कोई परिवर्तन है तो उस परिवर्तन को वह रेखांकित करेंगे। मौजे में कहीं कहीं मुस्तकिल बना है और कहीं नहीं भी बना है, जहाँ नहीं बना है तो वह मुस्तकिल बनाएंगे। इसके अलावा इस सर्वे में जमीन का एक तरह से कहा जाए तो रिकॉर्ड के तौर पर सारा कुछ तब्दील हो जाएगा। रैयत का नाम बदल जाएगा, खाता बदल जाएगा, खेसरा बदल जाएगा, चौहद्दी बदल जाएगी, और भूमि का वितरण अगर आपस में विभाजन हुआ है तो रकबा भी बदल जाएगा। तो इस प्रकार जो नया एरियल मैप आया है उसमें अमीन हर टोले में, हर इलाके में, हर क्षेत्र में मौजे के घूम घूम कर एक एक प्लॉट को देखेंगे, नापेंगे, उसका मिलान करेंगे। ये काम नंबरिंग कहलाता है। उसी समय में आप रैयतों को सहयोग करना है कि आपको बताना होगा कि कौन सा क्षेत्र, कौन सी जमीन, कौन सा प्लॉट आपका है। अमीन उसको अपने गैरहाजिरी पंजी में दर्ज कर लेंगे। जब नंबरिंग का कार्य समाप्त हो जाता है तो फिर किस्तवाड़ की प्रक्रिया वहीं समाप्त होती है। नक्शा संशोधन के लिए कंपनी को भेज दिया जाता है और एक खानापुरी नक्शा मिलता है, रिवाइज नक्शा, संशोधित नक्शा, जिस पर खानापुरी की प्रक्रिया शुरू होती है। खानापुरी दूसरा प्रक्रम है सर्वे का। उसमें आपने जिन जिन क्षेत्रों को, जिन जिन प्लॉट पर अपना दावा बताया है, उससे संबंधित आपसे साक्ष्य की मांग की जाएगी। आप उसके साक्ष्य के संबंध में या तो केवाला या खतियान की प्रति या बंदोबस्ती या दान पत्र या पर्चा, जो भी साक्ष्य आपके पास हैं, उन साक्ष्यों को टीम के पास में, शिविर में आपको जमा करना होगा। जब आप जमा करते हैं तो फिर वहाँ से आदेश होता है कि दर्ज प्रमाण के आधार पर आपके नाम खाता खोलने की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है और उसके बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जब सारे रैयतों का नाम दर्ज हो जाता है, आदेश पारित हो जाता है, तो खानापुरी की प्रक्रिया समाप्त होती है। उसके बाद जो रिकॉर्ड बनता है वो प्रपत्र साथ में होता है, आपको पर्चा के रूप में मिलता है। वो पर्चा दरअसल क्या है कि आपके भूमि के संबंध में विवरणी है, वो जिसमें आपके संपत्ति का, जमीन का विवरण दर्ज होता है और साथ ही में नक्शे का एक प्रारूप भी मिलेगा, LPM जिसको कहते हैं, लैंड पार्सल मैप, जो जो भूमि आपकी है उससे संबंधित नक्शा है। अब आपको देखना है कि क्या मेरा नाम सही है, मेरे पिताजी का नाम सही है, मेरा जितना खेसरा था वो सारा खेसरा इसमें दर्ज है या नहीं है, मेरे चौहद्दी में कोई तब्दीली तो नहीं आई है या कोई गलत चौहद्दी तो नहीं दर्ज हो गया, हमारा जो प्लॉट का रकबा था वो रकबा तो घटवर नहीं है। अगर इनमें से कोई त्रुटियां आपको मिलती है तो आप आपत्ति दायर कर सकते हैं। प्रपत्र 8 में आपकी आपत्ति 2 प्रतियों में दर्ज होगी, जिसका कि 1 प्रति आप रिसीविंग के तौर पर ले लेंगे। आगे सर्वे टीम आपको सूचना भेजेगी और प्रपत्र 11 में उसकी कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, और सुनवाई करके जो उसमें संभव होगा, जो संशोधन करना, वो संशोधन कर लिया जाएगा। मान लीजिए कि आपके मौजे में 70% या 80% कार्य सही हुआ, 20% या 30% काम में त्रुटियां पाई गई, तो उन त्रुटियों के निराकरण के लिए ही इस आपत्ति की मांग की गई है। फिर उस 30% को करेक्ट करके, सही करके हम मूल आंकड़े में जोड़ देते हैं और फिर प्रकाशन होता है हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन का। यह एक चरण पूरा हुआ, दूसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद पुनः जो आंकड़े हैं और नक्शा आम प्रदर्शन के लिए रखा जाता है, ताकि लोग यह देख सकें कि जो सुधार कर रिकॉर्ड बना है, नक्शा बना है, वो सही बना है या नहीं बना है। एक पुनः मौका फिर आपको दिया जाता है कि आप देखें। उसके बाद भी अगर कहीं संशोधन की आवश्यकता है, कहीं आपत्ति है आपको,
कहीं कोई त्रुटि नजर आती है रैयतों को, तो आप आपत्ति दायर कर सकते हैं प्रपत्र 13 में। फिर आपके आपत्ति दो टुकड़े में दो प्रति में होंगे और उनको आप जमा करेंगे, रिसीविंग आपको मिलेगी, फिर सुनवाई का दौर चलेगा और सुनवाई प्रपत्र 17 में जाकर इसकी सुनवाई पूरी हो जाएगी आपके आपत्ति की। 18 में हमारा नया तेरीज बन जाएगा और 19 में नया खेसरा पंजी। तदनुसार हमारा फाइनल खतियान प्रपत्र 20 में बन जाएगा।